लॉकडाउन में तो हम लोग एकदम बोर हो गए। दिन भर घर में रहो घर में रहो, सभी लोग कहते हैं घर में रहो, मोदी जी भी कहते हैं घर में रहो, और हम बच्चे क्या करें, इतने दिनों से घर में ही तो पड़े हैं। अरे इतना क्यों परेशान होती हो कक्कू, आराम से रहो, स्कूल की छुट्टी चल रही है, मौज करो। तुम्हारा क्या है गुलाबो, तुम तो सुबह उठ जाती हो, नहा लेती हो और खूब बंधन के बैठ जाती हो, तुमको तो कोई काम है नहीं, हम लोगों को तो परेशानी होती है। देखो तुम लोग शांति पूर्वक बैठो और हम अभी तुम लोगों को एक छोटा सा खेल खेलवाते हैं, ठीक है ना? हम लोगों को कुकुनू भैया की बात मान लेनी चाहिए। चलो हम राज्य और राजधानी वाला खेल खेलेंगे, ठीक है? एक आदमी पूछेगा राज्य का नाम और दूसरा बताएगा उसकी राजधानी। हम भी खेलेंगे। पहला प्रश्न मैं करता हूँ, बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। सही बताया। अब मैं पूछती हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। सही बताया। अच्छा बताओ झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। अरे गुलाबो तुमने तो बिल्कुल सही बताया। चलो बताओ छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। बहुत अच्छा। तुम लोग तेलंगाना की बताओ तो जाने। हैदराबाद। बहुत ठीक। अच्छा पंजाब की राजधानी बताओ? चंडीगढ़। कर्नाटक की? बेंगलुरु। अरे वाह देखा कितनी आसानी से आज हम लोगों का समय पास हो गया है। अगर इसी तरह हम लोग रोज अंताक्षरी खेलें तो हम लोगों को बहुत कुछ आ जाएगा और देश भर की राजधानी याद हो जाएगी। लॉकडाउन में फायदा भी हुआ है, घर में हम लोग अंताक्षरी बना के इस तरह राज्य की राजधानी को याद कर सकते हैं और सभी को याद हो जाएगा और इस प्रकार हम लोगों का जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और जो सरकार कह रही है उसका पालन भी होगा। हम लोग घर के अंदर रहेंगे, बोर भी नहीं होंगे और जब बोर नहीं होंगे तो हम लोगों का मन लगेगा पढ़ने में और हम लोग मन से पढ़ाई भी करेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी क्या नहीं करें, अपने मुंह को नहीं छुएं, अपने नाक में उंगली न करें, आंख को न छुएं, हमेशा हाथ साबुन से एक एक घंटा पे धोते रहें, खाने से पहले खाने के बाद हाथ को जरूर धोएं और प्रतिदिन स्नान करें, ठीक है? धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।